आने वाले सालों में बायोटेक के लिए देश में बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस तैयार होने वाला है। साथियों, फार्मा के साथ ही एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर में भारत जो बड़े परिवर्तन ला रहा है, वो भी बायो सेक्टर के लिए नई उम्मीद जगा रही है। केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत में आज बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिल रहा है। खेती और क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए बायो फोर्टिफाइड सीड्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बायोफ्यूल के क्षेत्र में जो डिमांड बढ़ रही है, जो R&D इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, वो बायोटेक से जुड़े SMEs के लिए, स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। हाल में ही हमने पेट्रोल में इथेनॉल की 10% ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल कर लिया। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट भी 2030 से 5 साल कम करके अब उसे 2025 कर लिया है। ये सारे प्रयास बायोटेक के क्षेत्र में रोजगार के भी नए अवसर बनाएंगे, बायोटेक प्रोफेशनल्स के लिए नए मौके बनाएंगे। सरकार ने अभी हाल में जो लाभार्थियों के सैचुरेशन, गरीब के 100% सशक्तिकरण का अभियान शुरू किया है, वो भी बायोटेक सेक्टर को नई ताकत दे सकता है।